हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग हाफ एडर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हाफ एडर क्या होता है। हाफ एडर एड्स टू बाइनरी डिजिट्स एंड प्रोड्यूस टू बाइनरी आउटपुट्स कॉल्ड सम एंड कैरी। इन हाफ एडर द इनपुट्स आर द ऑजेंट्स एंड लेट्स से ए एंड एडेंट बी बिट्स। तो इसको और थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम लोग। इसका देखेंगे कि वर्किंग किस तरीके से ये करता है। ये क्या करता है हाफ एडर, हाफ एडर ऐड करने का काम करता है दो बाइनरी डिजिट्स को और दो आउटपुट प्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग कहते हैं सम और कैरी। सो दो इनपुट है इसमें जिसे हम लोग ए और बी नाम देंगे। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, ए हमारा ये हो गया, ये हमारा बी हो गया। ए को क्या कहते हैं यहाँ आप देख सकते हो, बी को क्या कहते हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारा जो आउटपुट होगा वह होगा एक सम और एक होगा कैरी। यानी कि ये हमारा सम हो गया जिसे मैं एस लिख रहा हूँ और कैरी जो कि हमारा सी हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम है। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग एक ट्रूथ टेबल लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ लिख लेते हैं, जो कि हमारा ए बी में इनपुट है तो हमें यहाँ लिखना है 2 times 0 then 2 times 1 और 1 times 0 then 1 times 1 1 times 0 then 1 times 1। अब ये जो है हमारा इसका बाइनरी, ये बाइनरी यानी कि हाफ एडर क्या करता है, ये सर्किट क्या करेगा, ये जो है इन दोनों को ऐड करने का काम करेगा, इसको और इसको, ए और बी को ऐड करने का काम करेगा। ये ऐड करेगा और ये प्रोड्यूस करेगा क्या, सम और कैरी। तो देखते हैं, जब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा बाइनरी एडिशन का वीडियो देखा होगा, अगर आप लोगों ने वहाँ देखा हो तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं कि अगर 0 + 0 करें, बाइनरी में 0 + 0 करें तो सम इसका 0 आएगा और कैरी भी इसका 0 आएगा। अगर आप 0 + 1 करते हैं, 0 + 1 अगर आप करते हैं तो इसका जो सम है वो आएगा 1 और कैरी आएगा कुछ भी नहीं यानी कि 0। इस तरीके से 1 + 0 होता है बाइनरी में, तो इसका सम होगा 1 और कैरी होगा 0। इस तरीके से जब 1 + 1 करते हैं बाइनरी में तो इसका सम आता है 0 और कैरी आपका हो जाएगा 1, कैरी आपका 1 हो गया। तो ये आपका हो गया, निकल गया सम और आपका कैरी, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ जो है वो लॉजिक डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक देखिए डायरेक्ट आप बना सकते हैं जैसे हम लोग अभी तक बनाते थे, लेकिन हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि थोड़ा सा हमें मौका मिला है तो इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। अब एक्सप्रेशन भी आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ अगर देखें, यहाँ अगर बात करते हैं, इसमें यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है। एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, यानी कि अगर बात करें एस के एक्सप्रेशन की, हमारे पास दो फंक्शन है ये एस और सी, तो इसका एक्सप्रेशन हमें निकालना है। एस के एक्सप्रेशन की बात करें तो 1 कब आया है, 1 तब आया है जब ए 0 है। ए 0 मतलब ए जब कॉम्प्लीमेंट हो और बी 1 हो, यानी कि बी विदाउट कॉम्प्लीमेंट हो। और 1 तब आया है जब ए विदाउट कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्लस ए विदाउट कॉम्प्लीमेंट और ए विद कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 हो, तब ये आपका एस का ये फंक्शन आपको मिल जाता है। उसी तरीके से सी का अगर आप फंक्शन निकालेंगे, मतलब सी फंक्शन का जब आप एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ए और बी दोनों ही 1 है, तो ए बी ये आपका इस तरीके से निकल जाता है। उसके बाद अब इसका आप आसानी से लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं इस एक्सप्रेशन को देखते हुए। लेकिन यहाँ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और चूंकि क्वेश्चन में इसको के मैप के थ्रू निकालने के लिए कहा जाता है तो के मैप के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे कि के मैप के थ्रू इस एक्सप्रेशन को कैसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं जिसको हम लोगों ने देख लिया, लेकिन इसको के मैप के थ्रू भी अगर आप निकालना चाहें तो वह भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले के मैप फॉर एस लिखते हैं, यानी कि के मैप फॉर सम की बात करते हैं हम लोग, यानी कि मैं सम एक्सप्रेशन के लिए ये के मैप बना रहा हूँ। तो यहाँ दो वेरिएबल हैं, यानी कि हमें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सेल्स की जो आवश्यकता होगी के मैप के लिए वो होगी 4। ये सारी चीज़ें हम लोग के मैप में पढ़ चुके हैं तो हमें रिपीट बार बार उसको नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारा 4 सेल हो गया। हम लोग यहाँ लिखते थे क्या ए और यहाँ लिखते हैं क्या बी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और उसी तरीके से ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो सम की बात करें तो सम में 1 कहाँ आया है, सम में 1 यहाँ आया है यानी कि 0 1। जब 0 1 है यानी कि 0 इधर से 1 इधर से यानी कि यहाँ, तब आपको 1 फिल करना है। उसके बाद 1 0 में तो 1 यहाँ से यहाँ 0 से यानी कि यहाँ
तो यहाँ आपको वन फिल करना है। इस तरीके से आपने इसको फिल कर लिया। इसको ग्रुपिंग करने की बारी आती है तो इसको ग्रुप नहीं किया सकते, ये जो है सब सभी क्या है एक इंडिविजुअल ही रहेगा, ये भी इंडिविजुअल रहेगा और ये भी इंडिविजुअल रहेगा। तो इसका अगर आप एक्सप्रेशन निकालेंगे यानी कि आप एस इक्वल टू या फिर सम इक्वल टू जो भी आप लिखना चाहें, तो ये क्या आएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट बी, क्यों बी, क्योंकि इधर से वन है ठीक है, जीरो वन का, जीरो वन का मैंने लिखा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस इसका ए और इधर से आएगा जीरो यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब देखें कि ये एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने के मैप के थ्रू निकाला है और ये एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ से निकाला था, दोनों ही सेम है। उसी तरीके से अगर आप कैरी के लिए निकालते हैं यानी कि कैरी का अगर के मैप के थ्रू निकालना चाहें तो इसका भी निकाल सकते हैं। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सेल्स जो ज़रूरत है इसमें वो कितनी है, फोर है। तो फोर का हम लोग यहाँ एक बना लेते हैं टेबल। इसमें भी ए बी है, ये थोड़ा सा नज़दीक हो गया, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी वन और यहाँ भी ज़ीरो और यहाँ भी वन। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक ही जगह वन है, तो कब वन है, जब ए वन और बी वन हो। तो ए वन बी वन कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ आपको वन फिल करना है। और सी का आप एक्सप्रेशन निकालेंगे तो इसका एक्सप्रेशन आएगा क्या, इधर से ए यानी कि ए हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी नहीं होगा बिकॉज बी भी जो है वो वन ही है। तो ये एक्सप्रेशन आपका सी का आ जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि आसानी से हम लोगों ने इसका एक्सप्रेशन निकाल लिया जो हम लोगों ने यहाँ भी निकाला था। तो इस तरीके से दो एक्सप्रेशन हमारे पास है। अब इसका अगर आपको लॉजिक डायग्राम बनाना है तो ये बहुत ही ईजी है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से लॉजिक डायग्राम इसका बना सकते हैं। बस आपको ये दो एक्सप्रेशन याद रखना है, ये और ये, बिकॉज इसी को देख कर हम लोग वहाँ बनाएंगे। अब चाहे तो डायरेक्ट इस ट्रूथ टेबल को देख कर भी बना सकते हैं, बट हम लोग ने यहाँ एक्सप्रेशन निकाला है। हम लोग एक रूल को फॉलो करते हुए चल रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि के मैप के थ्रू निकालना है, तो के मैप के थ्रू हम लोग इसको निकाल रहे हैं। सो सिंपली क्या करना है, ए लिखिए यहाँ, बी लिखिए यहाँ, बहुत ही ईजी है ये ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन लेना है और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन लेना है। देन हमें ए कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट भी हमें चाहिए। तो हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए नॉट निकाल लेते हैं जिससे कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से मिल जाता है। देन हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं जिससे कि हमें एक बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से मिल जाता है ठीक है। ये हमारा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है ओके। ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। ये जानते हैं ये अभी अभी तक का मेरा सबसे स्ट्रेट लाइन है ओके। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमारा बन गया। अभी हमारे पास एक्सप्रेशन क्या क्या था, मैं एक बार फिर से यहाँ आपको लिख कर दिखा देता हूँ जिससे कि अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको आपको पता चलेगा। हमारे पास एस का एक्सप्रेशन था ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, और सी कैरी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन था ए बी। तो सबसे पहले मैं कैरी की अगर बात करूँ तो कैरी के लिए हम लोग एक बना लेते हैं, तो वो हो जाएगा ए और यहाँ से निकल आएगा ये बी और ये हो जाएगा आपका एंड गेट के साथ ठीक है। ए और बी एंड गेट के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ डॉट है ठीक है, इसलिए हम लोग एंड गेट लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सी यानी कि कैरी। अभी इस एस की बात करें तो एस में क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट चलिए यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, और बी लेना है तो बी हमारा यहाँ से आ गया। यहाँ एंड गेट से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा एंड गेट हो गया। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हमारा आया हुआ, यहाँ हमारा आया हुआ ए कॉम्प्लीमेंट बी। अभी इसका हो गया है, अभी इसका करना बाकी है। तो ए यहाँ से ए आएगा और हमें क्या करना पड़ेगा, बी कॉम्प्लीमेंट भी लेना पड़ेगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ से है। तो इस केस में ये जो है इस तरीके से आपका हो जाएगा ठीक है। यहाँ हमारा क्या आया हुआ है, यहाँ हमारा आया हुआ है ए बी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों के बीच क्या है, प्लस है, यानी कि हमें ये और गेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो और गेट से चलिए इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये और गेट से हमारा कनेक्ट हो गया और यहाँ जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एस ठीक है। तो यही है लॉजिक डायग्राम, किस चीज़ का, ये लॉजिक डायग्राम है हाफ एडर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।